वेलकम फ्रेंड, कैरियर न्यूज एंड सॉल्यूशन न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड, संविदा कर्मी के लिए जो है बिहार में जितने भी संविदा कर्मी हैं, जो भी कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं, उनको अपनी सेवाएं की चिंता लगी रहती है। तो उनके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 15 अगस्त 2018 को गांधी मैदान से जो घोषणा की है, उसमें तो संविदा कर्मियों को उन्होंने तोहफा दिया है। और एक संविदा कर्मियों के लिए खुशखबरी है कि संविदा कर्मी को मिलेगी सरकारी सुविधाएं, लेकिन नियमित नियुक्ति में लेना होगा भाग। उनके लिए एक जो है थोड़ा सा निराशाजनक खबर ये है कि नियमित नियुक्ति में उन्हें भाग लेना होगा और पास करनी होगी परीक्षा। तो इस संबंध में क्या डिटेल न्यूज है आपको हम बताते हैं, पूरा स्पष्टीकरण और क्लियरिफिकेशन के साथ। उन्होंने जो 15 अगस्त 2018 को जो है गांधी मैदान से जो घोषणा की है, जो पूरा स्टेटमेंट उनका आया है, उनका पूरा स्टेटमेंट का मैं एनालिसिस करके आपको बताता हूँ, एक एक वर्ड समझाऊँगा और बताऊँगा कि उन्होंने क्या घोषणा की है और उन्होंने क्या बोला है। तो फ्रेंड, उससे पहले अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आपसे रिक्वेस्ट है, हमारी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए फ्रेंड, क्योंकि कोई भी कैरियर से रिलेटेड न्यूज़ आपके जो कॉन्ट्रैक्ट वाले के लिए या किसी के लिए भी, वो सबसे पहले हमारे चैनल पर मिलता है। तो फ्रेंड बताते हैं आपको, इससे पहले देखिए तो इन्होंने क्या घोषणा की है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि संविदा कर्मचारियों को मिलेगी सरकारी सुविधाएँ। ये तो स्पष्ट है कि उनको सारी सरकारी सुविधाएं दी जाएगी, जैसे जो होता है कैजुअल लीव, जैसे आकस्मिक अवकाश, और जो है उसके बाद होता है अर्न लीव, जो कि जो है आप ले सकते हैं साल में, वो भी मिलेगी, मेडिकल फैसिलिटी भी मिलेगी, और उनका जो है और जो उनके जो भी सारी सेवाएं जो है अगर उनको हटा दिया जाता है तो उसके विरुद्ध वो अपील भी कर सकते हैं, और उनको हटाने की प्रक्रिया भी उसी तरह से होगी जिसको जो कि रेगुलर कर्मी की तरह होता है। और लेकिन उनको जो है देखिए और क्या क्या मिलेगा, अनुदान, सेवा, अभिलेख यात्रा यानी ट्रैवलिंग अलाउंस, उसके बाद वे सेवा समाप्ति के विरुद्ध अपील, कर्मचारी भविष्य निधि की बात भी इन्होंने कह दी है, जो कि कर्मचारी की भविष्य निधि होती है, पीएफ फंड होता है, प्रोविडेंट फंड होता है, और तो ये सब भी उनको मिलेगा, यहाँ तक कि लेडीज़ को मातृत्व अवकाश और पितृत्व अवकाश और वार्षिक मूल्यांकन आदि समिति की अनुशंसा में भी शामिल है, ये सब भी उनको मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वो जो है सरकारी कर्मी नहीं कहलाएंगे, यानी सरकारी कर्मी की दर्जा उनको नहीं दिया जाएगा, वो बिहार सरकार के सरकारी कर्मचारी नहीं होंगे। सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे यही है, और उस पोस्ट के लिए जो भी रेगुलर अपॉइंटमेंट आएगी उन पे उस रेगुलर अपॉइंटमेंट में उसको उनको फॉर्म फिल करना होगा, उनको एग्ज़ाम में बैठ के पास भी करना होगा, तभी वो जो है रेगुलर एम्प्लॉई कहलाएँगे बिहार सरकार के। ये पूरा इसका कंक्लूजन है, मैं आपको इसका जो है पूरा लाइन बाय लाइन पढ़ के सुनाता हूँ, कंक्लूजन जो था उसका यही था। और इसमें देखिए स्पष्ट लिखा है कि राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में कार्यरत संविदा कर्मियों को भी सरकारी सेवकों की तरह कई सारी सुविधाएं मिलेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वतंत्रता दिवस पर गांधी मैदान में तिरंगा फहराने के बाद ये घोषणा की। उन्होंने कहा कि संविदा कर्मियों को चिंतित होने की जरूरत नहीं है, संविदा कर्मियों पर विचार करने के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति ने उनके संबंध में सकारात्मक अनुशंसाएं की हैं, जिन्हें राज्य सरकार ने स्वीकार कर लिया है। समिति की अनुशंसाओं को लागू करने के लिए हमने संबंधित विभागों को दिशा निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने गांधी मैदान से 12 घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि संविदा कर्मियों की सेवा शर्त, नियमित नियुक्ति में भाग लेने के लिए उम्र सीमा के शिथिलीकरण और कार्य अनुभव को नई नियुक्ति में प्राथमिकता दिया जाएगा। उन्होंने ये कहा है कि अगर आप नियमित नियुक्ति में आना चाहते हैं, आपको बिहार सरकार के कर्मचारी का दर्जा चाहिए, और अगर आप रेगुलर एम्प्लॉई कहलाना चाहते हैं तो नियमित जो नियुक्ति होगी उसमें आपको भाग लेना होगा। आपके लिए एज जो है शिथिलीकरण कर दिया जाएगा, यानी आपके लिए एज की कोई बाउंडेशन नहीं रहेगी, और आपके कार्य को जो है आपके एक्सपीरियंस को जो है वो वेटेज दिया जाएगा, जो कि रूल है बिहार में। लेकिन आप एग्ज़ाम में पास हो जाएंगे तभी आप नियमित नियुक्ति की दावा कर सकेंगे और तभी आप नियमित कहलाएंगे, अदरवाइज आप संविदा कर्मी ही रहेंगे, लेकिन आपको सरकारी सुविधा सरकारी कर्मी कर्मचारी की तरह लाभ मिलते रहेगा, लेकिन आप सरकारी कर्मचारी नहीं रहेंगे। आपको हम फिर यहाँ पे यही समझाना चाह रहे हैं, जो कि नीतीश सरकार की मंशा है। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा रहा है, नियुक्ति में प्राथमिकता देना, मानदेय प्राशनिक का निर्धारण, अवकाश की सुविधा, अनुग्रह अनुदान, सेवा अभिलेख, यात्रा व्यय, सेवा समाप्ति के विरुद्ध अपील, कर्मचारी भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, मातृत्व अवकाश, वार्षिक मूल्यांकन आदि समिति की अनुशंसाओं में शामिल होगा। गैर मतलब हो कि इसका लाभ राज्य के 3 लाख कर्मियों को मिलेगा।
तो ये मुख्यमंत्री ने घोषणा किया है, देखिए आपको ये हम दिखा रहे हैं। और आपको मैं बता दूं कि ये स्पष्ट इसका ये इस जो पूरे स्टेटमेंट का कंक्लूजन है कि संविदा कर्मी जो है वो, आपको मैं बता दूं कि संविदा कर्मी जो है, कोई भी संविदा जो कर्मी है वो आप लोग जो है संविदा कर्मी ही कहलाएंगे, भले आपको सुविधा जो है सरकारी कर्मी की तरह दी जाएगी, लेकिन आप सरकारी कर्मचारी बिहार सरकार के नहीं कहलाएंगे, आप सरकारी जो है सेवक नहीं कहलाएंगे। ये घोषणा है और इससे स्पष्ट निकलता है। और ये बातें जो है आपको मुख्यमंत्री अशोक कुमार सिंह के अध्यक्षता में जो कमेटी गठित की गई थी, उन्होंने भी यही अनुशंसा की है कि संविदा कर्मचारियों को सरकारी सुविधाएं मिलेगी, उनकी नौकरी 60 साल तक के लिए कर दी गई, लेकिन वो सरकारी कर्मी नहीं कहलाएंगे। तो फ्रेंड ये न्यूज़ था, मैंने आपको इसके पहले भी बताया था कि 45 विभागों के प्रतिवेदन का अध्ययन करके जो सीएम को रिपोर्ट सौंपा है मुख्यमंत्री के जो द्वारा गठित किया गया जो कमेटी था, उनके जो अध्यक्ष थे अशोक कुमार सिंह ने जो 45 विभागों के प्रतिवेदन का अध्ययन करके जो रिपोर्ट सौंपा है, उसमें भी यही बातें थी कि संविदा कर्मी जो है वो अस्थाई कर्मी की तरह उनको लाभ दिया जाए, छुट्टी दिया जाए और सरकारी सेवाएं दिया जाए, लेकिन वो सरकारी कर्मी नहीं कहलाएंगे। तो फ्रेंड ये न्यूज़ था आपको, इसलिए मैंने आपको ये न्यूज़ बता दिया। और ये आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ताकि आगे जो भी न्यूज़ आए संविदा से कर्मी से रिलेटेड, वो सबसे पहले हमारे इस चैनल पर आपको मिलेगा। थैंक यू फ्रेंड।